दोस्तों, मेरा नाम है प्रियंक और आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के चलते हुए जो है मार्केट से खत्म हो चुके हैं सारे के सारे हैंड सैनिटाइजर, और जो है लोग बोल रहे हैं कि आप जो है साबुन से हाथ धोएंगे, सोप से हाथ धोएंगे तो भी जो है वो इफेक्टिव होगा। तो क्या जो है ये सोप भी जो है वो उतना ही इफेक्टिव होता है या उससे कम या ज़्यादा इफेक्टिव होता है, और कैसे उनका मोड ऑफ फंक्शनिंग होता है, कौन सा जो यूज़ करना वो ज़्यादा बेहतर होगा, जानते हैं इस वीडियो के थ्रू। इन सारे कंफ्यूजन के बीच में जो है मैं आपको एक जो ऑथेंटिक न्यूज़ जो है CDC की रिपोर्ट जो है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जो US की एक बहुत ही रेप्यूटेड एजेंसी है, मैं उसकी जो है आपको कुछ पुख्ता रिपोर्ट बताने वाला हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके और उसके बेसिस पे आप वाइजली डिसाइड कर सकें कि आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि क्या जो है बेटर है, पहले हम दोनों का इनका मोड ऑफ फंक्शनिंग देख लेते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देख लेते हैं कि किस तरह से जो है वो वायरस पे वो अटैक करता है। तो अब होता क्या है कि सबसे पहले वायरस की बात करते हैं। वायरस क्या है कि एक तरह से उसमें तीन मेजर जो है कंपोनेंट होते हैं, एक उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, एक प्रोटीन होता है और एक लिपिड होता है। ये मतलब तीन मैक्रोमोलिक्यूल मिला के एक जो है वो वायरस बनता है, और ये सारे लूजली मतलब एक तरह से कनेक्टेड होते हैं, नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग जिसे आप कह सकते हैं। ये सारे एक दूसरे से मतलब एक असेंबली होती है, नैनो पार्टिकल आप समझ सकते हैं। अब होता क्या है कि जब आप सोप और पानी के साथ इसे इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि CDC रिकमेंड करता है कि आपको 20 सेकंड तक जो है मतलब सोप और पानी के साथ करना चाहिए, ऐसे मतलब हड़बड़ी करने से नहीं होगा, आपको 20 सेकंड तक अगर आप करते हैं तो ही इफेक्टिवली आप उसके जो वायरस के इफेक्ट है उससे बच सकते हैं। अब सो काम कैसे करता है उसके लिए हम एक एनालॉजी लेके चलते हैं, जैसे कि वो नहीं आते थे जैसे बहुत सारे ऐड वगैरह आते हैं तो उसके अंदर जो है वहाँ पे डिटर्जेंट में बताते हैं कि आपके जैसे ही कोई तेल का दाग लग गया तो आप इस सोप को इस्तेमाल लेंगे तो जो है इस डिटर्जेंट को इस्तेमाल लेंगे तो वो जो है वो दाग हट जाएगा। तो कुछ उसी फॉर्म में जो है उसी तरीके से क्या है कि यहाँ पे भी काम हो रहा है। वो जो बेसिकली जो ऑयल वाली चीज़ है उसको साइंटिफिकली लिपिड बोलते हैं, और वो जो मैंने अभी अभी आपको बताया वायरस के अंदर भी वो लिपिड होता है। अब होता क्या है कि अगर जब आप उसे सोप से जब अपने हाथ वॉश करते हैं तो आपकी स्किन पे यहाँ वहाँ यहाँ पे भी कहीं चिपका हुआ है तो वहाँ पे वो सोप जाकर क्या करेगा कि उस जैसे वहाँ पे जैसे दाग हटाता है, जैसे डिटर्जेंट कैसे दाग हटाता है, वैसे ही जो है सोप वहाँ पे जाके जो है वायरस के साथ जो है वहाँ का उसका जो लिपिड है यानी उसका जो तेल वाली चीज़ है, ऑयल वाली चीज़ है, उसके साथ जो है वो कंपटीशन करेगा। यानी उस वो एक तरह से सीमेंट की तरह काम कर रहा है उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, तो वो वहाँ पे जाके कंपटीशन करेगा, उसके अंदर बीच में दखलंदाजी करेगा, उसके इंटरेक्शन को हिला देगा, और इसकी वजह से जो है इवेंचुअली ऐसा होगा कि उसका सारा इंटरेक्शन हिलेगा तो उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। तो ऐसे समझ लो कि जैसे आपने घर के ऊपर कोई चीज़ ऐसे फेंकी और वो सीमेंट को अगर पिघला दे तो सोचो घर का स्ट्रक्चर कैसे एकदम ढह जाएगा। कुछ इसी तरह से होता है वायरस के साथ भी, जैसे ही आप सोप डालते हो तो वो उसके पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ देता है। तो इस तरह से सोप और वाटर के कॉम्बिनेशन से इफेक्टिवली एक तरह से वायरस की जो है वो किलिंग हो पाती है, इसीलिए कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। लेकिन अल्कोहल क्या करता है कि वो भी जो है एक तरह से टू अ सर्टेन एक्सटेंट इसी तरह से काम करता है, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं करता। मतलब वो लिपिड को थोड़ा बहुत डिजोल्व करेगा, प्रोटीन जो उसके अंदर जैसा मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर में उसको कॉगुलेट करने का, प्रेसिपिटेट करने का काम कर देगा, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं है। तो CDC की रिपोर्ट कहती है कि आपको जो है ज़्यादा इफेक्टिव अगर कोई चीज़ है तो वो है सोप एंड वाटर। और ये मुझे समझ नहीं आया कि जब सोप एंड वाटर हर घर में अवेलेबल है तो क्यों जो है सैनिटाइजर के पीछे लोग इतना पागल हुए जा रहे हैं और सैनिटाइजर की जो है हाहाकार मचा है, मारामारी मची हुई है पूरे के पूरे कंट्री के अंदर। इसके अलावा मैं और भी रीज़न आपको कुछ बताना चाहता हूँ जो अगेन CDC की रिपोर्ट के हिसाब से ही है, और वो ये कि जैसे सैनिटाइजर जो है वो हर तरह के जर्म्स को इफेक्टिवली जो है वो एलिमिनेट नहीं करता, उनको किलिंग नहीं करता, हो सकता है वो इनएक्टिव कर दे या कुछ टाइम के लिए उस पर काम जो है वो काम ना कर पाए लेकिन इवेंचुअली बाद में फिर से एक्टिव हो जाए, उतना इफेक्टिव नहीं है कहने का मतलब। तीसरी चीज़ यह है कि ऐसा देखा गया है कि जो लोग कंसिस्टेंटली सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे थे वो मतलब पेस्टिसाइड या हार्मफुल केमिकल है उनको वो एलिमिनेट नहीं कर पाए, ओवर द पीपल जो कि सोप इस्तेमाल कर रहे थे, साबुन इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि जो साबुन इस्तेमाल कर रहे थे उनको देखा गया कि वो पेस्टिसाइड को भी आपके हाथों में अगर लगा है, हार्मफुल केमिकल भी लगे हैं तो बहुत इजीली जो है उसको रिमूव कर सकता है। फोर्थ थिंग इज कि आप जो सैनिटाइजर भी ले रहे हैं वो आपको ध्यान रखना होता है कि अगर आप स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के हिसाब से सोच रहे हैं तो उसमें 60-95% का एल्कोहल होना चाहिए, ये आप जरूर पढ़ें एज अ स्मार्ट कंज्यूमर। क्योंकि अगर आप जो है कोई दूसरे लेवल पे कोई दूसरा लेके आ जाते हैं तो उसकी कोई अभी रिपोर्ट नहीं। फॉर एग्जांपल ट्राइक्लोजन बेस्ड जो है वहाँ पे वैसे सैनिटाइजर भी आते हैं लेकिन वो कितने इफेक्टिव हैं अभी तक उसकी कोई खासी रिपोर्ट समझ में आई नहीं है। तो बेटर है कि आप जो भी सैनिटाइजर इस्तेमाल करें
उसमें 65-90% के तकरीबन जो है वो अल्कोहल कंटेंट हो। फिफ्थ एंड फाइनल थिंग इज कि क्योंकि आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं सैनिटाइजर वो अल्कोहल बेस्ड होगा और अल्कोहल की जो है पॉइजनिंग के भी जो है केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। रेजिड्यूअल अल्कोहल मान लो आपके इसमें रह गया और आपने उसको ले लिया तो अल्कोहल जो है वो आपके खाने के साथ पहुंच गया और आपको मतलब पॉइजनिंग हो गया। तो इन सबको देखते हुए डेफिनेटली कहा जा सकता है और CDC की रिपोर्ट के बेसिस पे कन्विक्शन के साथ कहा जा सकता है कि आपके घर में सोप या सोप और पानी जरूर होगा तो आप बेसिकली उसी को इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर के पीछे पागल ना हो और उसको इस्तेमाल करते हुए भी आप कोरोना वायरस से अगर आप निजात चाहते हैं तो 20 सेकंड तक अच्छे से हाथ धो के ज़रूर उससे जो है आप छुटकारा पा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, नहीं देखना चाहते हैं तो ब्लॉक करें, लेकिन कुछ करें, ऐसे देख के सिर्फ जाएं नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी। जय विज्ञान।